हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ कवर किया था कि चैल से अपनी जर्नी जलोरी पास की, बट जलोरी पास के बाद ना अपने साथ हो गया पंगा काफ़ी बड़ा। हुआ क्या ना कि हमारी एक्सयूवी में से स्मेल आने लग गई, धुआं आने लग गया। तो हमने एक जगह गाड़ी को रोका, चेक किया, बोनेट वोनेट खोला, तो कुछ ही कुछ मिला नहीं। फिर पता चला जो स्मेल आ रही थी ना, वो ब्रेक पैड की वजह से आ रही थी। तो हमने पानी डाला जैसे ही ना, तो क्या इतना भयंकर धुआं निकला ना, और वो भी एक पैड से नहीं, चारों पैड से, चारों मतलब व्हील से धुआं निकल रहा था। तो हुआ क्या था ना कि थोड़ा सा देखो, जलोरी पास काफ़ी हाइट पे था, और फिर उसके बाद हम जीभी आए तो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा नीचे था, तो हाइट डिफरेंस काफ़ी था। तो ब्रेक तो यूज़ करने पड़ रहे थे, बट हम नॉर्मल ब्रेक यूज़ कर रहे थे जैसे नॉर्मली करते हैं। आज से पहले मैंने काफ़ी सारी पहाड़ों की ट्रिप की है, बट ऐसी दिक्कत कभी नहीं हुई थी। दिक्कत क्या हुई, फिर हमने सोचा कि हुआ क्या। तो हुआ क्या था ना कि मैं हमेशा से महिंद्रा में सर्विस करवाता था अपनी गाड़ी की, और वो सब करवाता था, तो ओरिजिनल महिंद्रा के पार्ट्स ही मेरी गाड़ी में हमेशा से लगे हैं। तो इस बार क्या हुआ कि मेरे को आइडिया आया कि मैंने कहा कि बोर्डमो वगैरह से लॉकडाउन में कि मंगा कर देखते हैं। तो ब्रेक पैड मेरे को चेंज कराने ही थे, तो मैंने बोर्डमो से ऑर्डर कर दिए। अब बोर्डमो में ऑथेंटिक ओरिजिनल सामान मिलता है, तो मैंने देखा वहाँ पे बोश के भी मिल रहे थे, तो मैंने बोश के ऑर्डर किए क्योंकि थोड़े से सस्ते थे महिंद्रा से। तो मैंने कहा बोश तो अच्छी कंपनी है, रिलायबल है, तो मैंने ऑर्डर कर दिए। बट क्या हुआ कि अब पता नहीं वो ओरिजिनल बोश निकले या क्या निकले ना, बट वो पैड वर्थ नहीं थे। मतलब वो दिक्कत क्या हुई ना, मेरी गाड़ी की ब्रेक्स काम करना बंद कर दिए यार, ब्रेक ही नहीं लग रहे थे। मतलब सामने गाड़ी आई ना, मैंने अपनी की गाड़ी के ब्रेक लगाए, तो मैं अब बोलूँगा कि मेरी गाड़ी के जो ब्रेक है ना, उसकी इफ़ेक्टिवनेस 50% से भी ज़्यादा रिड्यूस हो गई थी। और वो इसलिए हो गई थी क्योंकि ब्रेक पैड का मटेरियल अच्छा नहीं था, और वो हीट होने की वजह से ना वो पकड़ ही नहीं कर पा रहा था डिस्क के साथ में। तो बड़ी दिक्कत हो गई यार, फिर टेंशन हो गई हम लोग को, क्या करें क्या करें। फिर कुछ तो कर नहीं सकते थे वहाँ पे, कौन सा महिंद्रा की तुम्हें वर्कशॉप मिल रही है जीबी वगैरह में, बिल्कुल आइसोलेटेड एरियाज है, तो वहाँ कुछ मिला नहीं हम लोग को। फिर हमने किया क्या कि पानी भर भर कर लेकर आए, टायर्स पे डाले, ठंडा किया। फिर बाद अपने आपकी जर्नी प्रोसीड की, जितने ब्रेक्स कम लगा सकता था उतने ब्रेक कम लगाए, बट हाइट डिफरेंस था तो थोड़ा बहुत तो यूज़ करना पड़ रहा था, बट जितना हो सका मैंने गाड़ी को गियर से कंट्रोल किया, ब्रेक का यूज़ बहुत ही कम किया, तो हो गया था, फिर मैनेज हो गया थोड़ा सा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो टायर का वीडियो ना, जहाँ पे धुआं निकल रहा था। ये देखो गाइस, ये देखो धुआं टायर पे डालते ही ना जो धुआं निकल रहा है, इस वीडियो में नहीं दिख रहा है इतना, पर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। गाइस, हमारा प्लान तो जिबी में स्टे करने का था, हम सोचकर भी वही आए थे, बट हम जब एग्जैक्टली जिबी पहुँचे ना, तो वो हमारी एक्सपेक्टेशन ना उसके साथ मीट नहीं हुई। तो जैसा हमने सोचा था ना, मतलब वैसा हिल स्टेशन नहीं निकला यार, वो थोड़ा कंजस्टेड सा था, ना व्यूज़ थे, ना अच्छे होटल्स मिल रहे थे हमें, ना रिजॉर्ट कुछ ढंग के थे। तो फिर हमें एक आंटी की बात याद आई, जहाँ पे हम लोग जलोरी पास, वो सॉरी जलोरी पास से आते वक्त में जब हम फंस गए थे ना लैंडस्लाइड में, तो वहाँ पे एक लोकल आंटी मिली थी। उन्होंने बताया कि अंकल आंटी थे वो, तो उन्होंने बताया कि तुम मतलब जिबी वाला एरिया इतना अच्छा नहीं है, तुम तीर्थन वैली जाओ, वो बहुत प्यारा एरिया है, बहुत नेचुरल है, रिवर साइड पे है, और वो भी वहीं के रहने वाले थे। तो उन्होंने बोला जिबी का तो बस ऐसी नाम हो गया है, बट कुछ खास नहीं है वहाँ पे, तो हमें पसंद भी नहीं आया। फिर हम लोगों ने सोचा कि यार चलो अब तीर्थन वैली के लिए ही निकलते हैं। तो गाइस, अभी हम तीर्थन वैली वाले रास्ते पे हैं, और देख रहे हैं कोई अच्छा रिजॉर्ट मिल जाए और कुछ मिल जाए, क्योंकि बीच में तो दिमाग ख़राब हो गया था उसकी वजह से, ब्रेक पैड की वजह से। तो अब सोचा कोई बात नहीं, अब हम फाइनली आ गए हैं, तो वो तो मैनेज हो जाएगा, बाद में जाके ब्रेक पैड बाद में चेंज करा लूँगा मैं। तो अभी देखते हैं मतलब कोई अच्छा रिजॉर्ट मिल जाए हम लोग को। गाइस, ये तो तीर्थन वैली है ना, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है, और जिबी से करीब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 18 किलोमीटर का रास्ता है, करीब ऐसे ही आधा घंटा करीब आपको लगेगा, 45 मिनट्स, बट इट इज़ अ फार मच बेटर प्लेस देन जिबी। मैं अभी यहाँ पे आ रहा हूँ ना, तो आप देखो यार व्यूज़ भी देखो, मतलब जिबी में ना यार हमें मज़ा ही नहीं आया। तो आप कभी आओ तो जिबी से बेटर है यार तीर्थन वैली, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, यहाँ के लोकल लोगों ने भी मेरे को बताया, और बहुत अच्छा है यार। तो अभी देखते हैं यहाँ पे हम लोग अपने रिजॉर्ट वगैरह देखते हैं, यहाँ पे है तो बहुत कुछ, वाटरफॉल के लिए ट्रैकिंग वगैरह भी है, पर अब देखते हैं, पता नहीं ये मानसून का टाइम है तो थोड़े स्लिपरीज तो होंगे, और हमारे साथ बच्चे हैं, तो देखते हैं कितना हो पाता है, उतना कुछ करने की कोशिश करेंगे।
कि मानसून सीज़न में यार थोड़ा सा रिस्की तो हो जाता है, थोड़ा स्लिपरी होता है ना, और कभी कभी रास्ते भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि ट्रैकिंग तो एग्जैक्टली पहाड़ों पे कच्चे रास्तों पे होती है। तो देखते हैं अभी क्या होता है, फिलहाल देख रहे हैं, अभी रिजॉर्ट ढूंढ रहे हैं, अभी इस रिजॉर्ट पर देखते हैं कुछ मिलता है तो। ये तो रिजॉर्ट ही पता नहीं क्या लग रहा है, बंद ही है शायद, चलो देखते हैं आगे फिर। गाइस उधर ना मतलब अपना मूड ऑफ हो गया था यार, वहाँ पे एक तो गाड़ी ने दिक्कत कर दी, वो ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं, साला धुआं निकल रहा है उसमें से, गर्म हो गए हैं, और ब्रेक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार पहाड़ों पे, उसके बिना तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। पर वो तो चलो जैसे तैसे हो गया मैनेज, ठंडा वंडा करके हम लोगों ने मैनेज कर लिया पानी से। अब फिर फिलहाल जब भी पहुंचे तो वहाँ पे अच्छे हमें रिजॉर्ट नहीं मिले, जगह पसंद नहीं आई, तो थोड़ा मूड ऑफ हो गया। बट फाइनली अब हम जब ये तीर्थन वैली पहुँचे हैं ना, तो यहाँ पे पहुँचते ही बढ़िया सी वाइब्स आ रही है, अच्छा जगह लग रही है, अच्छी जगह लग रही है, मतलब एकदम रिवर साइड पर है, बहुत नेचुरल है, बहुत क्वाइट है। फिर यहाँ पे ना मतलब बहुत कुछ है करने को, यहाँ पे इवन वाटरफॉल भी एक बहुत बढ़िया सी, वहाँ पे ट्रैक करके जाना पड़ता है। बट अभी मानसून में देखते हैं कि पता नहीं मानसून टाइम में पॉसिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो एग्जैक्टली कच्चे रास्ते होते हैं तो थोड़ा स्लिपरी हो जाता है, तो देखते हैं बच्चों के साथ हो पाता है नहीं हो पाता मैनेज, तो वो चेक करते हैं। फिलहाल तो बस ढूंढ रहे हैं कि कोई बढ़िया सा रिजॉर्ट मिल जाए हम लोग को यहाँ पर, जहाँ हम पीसफुल स्टे कर पाएँ। और चाहिए क्या होता है पहाड़ों पे यार, मस्त जगह चाहिए होती है, लग्जरी थोड़ी ढूंढना है, लग्जरी ढूंढनी होती तो दिल्ली के किसी 5 स्टार होटल में नहीं जाके रुक लेते। तो वही है यार, बस देखते हैं अब कुछ ढूंढते हैं, एक आध रिजॉर्ट ऐसे ही हम लोग मार रहे हैं, अभी इधर रुके हैं तो जाकर देख कर आते हैं कि कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। वो नीचे जाके देखना पड़ता है ना, बाहर से तो ऊपर से यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है, नीचे जाओ जाके देखते जाओ तब तो पता चलता है। ऑनलाइन गाइज मैं पहाड़ों पे बुक नहीं करता यार, क्योंकि ना पॉइंट नहीं है यार, हमें पता ही नहीं होता हम कहाँ रुक रहे हैं, हम लोग तो भाई बस ऐसे ही है, जहाँ मन करता है वहाँ रुकते हैं, जहाँ नहीं करता है वहाँ नहीं रुकते। तो ऑनलाइन में ना मेरे को अच्छा नहीं लगता यार, यहाँ पे आता हूँ लोकल आरएनडी करता हूँ अपनी, देखता हूँ रिजॉर्ट, और अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो ठीक है, अभी इधर चेक करता हूँ, लगाता हूँ गाड़ी साइड में, ठीक है चलो देखते हैं। रिजॉर्ट ढूंढते ढूंढते देखो कहाँ आ गए हैं, तो दूर से ना हमें दिख रहा था कि नदी के उस पार एक कुछ जगह है, बट वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, तो यहाँ पे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गए। जब ज्यादा फ्लो हो जाता होगा ना तो इधर भी पानी आ जाता होगा। अब मैं गाड़ी वो पार्क कर रखी है, सुंदर बहुत है तीर्थन वैली, ये देखो क्या व्यूज है ना यहाँ के, अमेजिंग। गाइज एक अमेजिंग रिजॉर्ट मिला है, कैंपिंग भी है वहाँ पे, बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ यू हैव टू क्रॉस द रिवर बाय दिस रोप, देन ओनली यू कैन रीच दैट प्लेस। एंड ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं जा सकते, हम लोग तो ट्राई मार के आ गए वहाँ पे। गाइज फाइनली काफ़ी ढूंढने के बाद हमें एक रिजॉर्ट मिल गया जो बढ़िया है, सामने से रिवर फ्लो कर रही है, रिवर व्यू है, और अच्छा है, मतलब उसमें मील्स भी इंक्लूडेड है हमारे, ब्रेकफास्ट और डिनर। रिजॉर्ट तो वो भी सामने बहुत प्यारा था, उधर कैंप्स भी थे, बट एक ही दिक्कत थी कि हमें रिवर के उस साइड ना उस पार सिर्फ वो रिवर क्रॉसिंग करके ही जा सकते थे। तो मैं और प्रतीक तो ट्राई मार के आ गए थे, बट ये लोग कह रहे थे कि हमारे बस की बात नहीं है, और फिर हमारे साथ ना थोड़ा सा लगेज भी था, तो वो अननेसेसरी भैया को बार बार वो ट्रॉली में थोड़ा थोड़ा लगेज लाना पड़ता, तो हमें लगा यार थोड़ा पेन नहीं लेते हैं। ये देखो यार मस्त सनसेट हो रखा है, ऑरेंज स्काई है पहाड़ों के बीच में, और रिजॉर्ट भी काफ़ी प्यारा है यार। ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे 2 रूम ले लिए हैं यहाँ पे, तो थोड़ा अच्छा है, बैठने की भी मस्त जगह है, शाम को रिलैक्स कर सकते हैं, और थोड़ा नेचुरल है, मज़ा आ रहा है यार। तीर्थन वैली काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी लोगों को नहीं पता इस बारे में, तो आओ आप लोग यहाँ पे इंजॉय करो, व्यूज़ इंजॉय करो, बड़ा अमेजिंग है यहाँ पे। और क्राउडेड नहीं है यार, सबसे बड़ी बात ना वही चाहिए था हमें कि क्राउडेड नहीं है। और गाइस पता है इसमें सबसे अच्छी बात क्या है ना, यहाँ पे एक नीचे से रास्ता जा रहा है ये देखो, और सामने इन्होंने लकड़ी का मस्त एक पुल बना रखा है, और एक सीमेंटेड स्ट्रक्चर है वहाँ पर, और उस पार सीधे रिवर है, तो ये भी नीचे रिवर फ्लो कर रही है और उस पार भी रिवर है, और रिवर का जो फ्लो है ना वो कितना तगड़ा है ना, और मस्त जगह है यार, शाम को मस्त बैठ सकते हैं अपन लोग यहाँ पे, क्या मस्त है यार, पानी की आवाज़ें, हवा,
और क्या चाहिए यार। गाइस अब करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। अब बैठेंगे यहाँ पे शाम को, मज़े लेंगे अपने रिवर साइड के, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है।